आज हम गोभी, गाजर और मटर का टेस्टी अचार बनाना बताएंगे। तो हमने गोभी इस तरीके काट लिया है, हरे मटर का छिलका उतार दिए हैं और गाजर का छोटे पीस कर लिए हैं। तो इनको 6 घंटे के लिए धूप में सुखा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाजर, मटर और गोभी बढ़िया से सूख चुका है, ये देखिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मटर भी बढ़िया से सूख चुकी है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिए हैं, 1 चम्मच मंगरायल है, 2 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच सौंफ है, 1/2 चम्मच मेथी के दाने ले लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 10 लौंग, 10-12 काली गोल मिर्च, 1 चम्मच जीरा है, चुटकी भर हींग डालेंगे, ये लहसुन है, हरा मिर्च ले लिए हैं, छोटे टुकड़े कर लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच काली सरसों है, अदरक ले लिए हैं, अदरक का छोटा पीस कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम मसाले रोस्ट कर लेते हैं। मसाले को निकाल लेते हैं, बढ़िया से रोस्ट हो चुका है। अब काली सरसों भून लेंगे, काली सरसों भी बढ़िया से भून चुकी है, इनको भी निकाल लेते हैं। मंगरेल भून लेंगे, मंगरेल भी भून चुका है, इनको भी निकाल लेते हैं। पैन में 1 बड़ा बाउल सरसों का तेल डालेंगे, इनको भी गर्म कर लेते हैं। तेल को गर्म करके ठंडा कर लिए हैं, चुटकी भर हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे। आइए मसाले पीस लेते हैं। मसाला भी पीस गया, इनको भी निकाल लेते हैं दूसरी थाली में। सरसों को दरदरा पीस लेंगे, ज्यादा महीन नहीं पीसना है। ये देखिए, इस तरीके हमने दरदरा पीस लिया, इनको भी निकाल लेते हैं। अब अदरक और लहसुन को पीस लेंगे। अदरक और लहसुन भी बढ़िया से पीस गया है, इनको भी निकाल लेते हैं। कलौंजी डाल देंगे। सरसों का तेल काफी ठंडा हो गया है, तो यही में मसाले डाल देते हैं। हरा मिर्च डाल देंगे, अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो और भी मिर्च डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब गोभी, मटर और गाजर को मिला देते हैं। ये हमने अच्छे तरीके मिला दिया है, इनको जार में डाल देते हैं। हम यहाँ प्लास्टिक के जार में रख रहे हैं, अगर आपके पास कांच का बर्तन हो तो कांच के जार में रखिए। कांच के बर्तन में रखने से अचार कभी खराब नहीं होता है। अब इसमें सरसों का तेल गरम करके ठंडा करके डाल देते हैं, ताकि अचार सालों साल चलेगा, खराब नहीं होगा। पूरा अचार अगर डूबा रहेगा तेल में, तो ये हमने तेल गरम कर लिया, अब इनको ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो चुका है, अब इनको जार में डाल देते हैं। इससे अचार बढ़िया फूल आएगा बढ़िया से, और खराब भी नहीं होता इससे, ये देखिए। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। कोई गलतियां हो माफ करिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे।